साल का दूसरा चंद्र ग्रहण भाद्रपद पूर्णिमा पर 18 सितंबर को लगने जा रहा है। यह आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। इसमें चंद्रमा की सतह का एक छोटा सा हिस्सा पृथ्वी की छाया के सबसे गहरे मध्य भाग में ढक जाता है, जिसे अम्बरा कहा जाता है। लेकिन सितंबर में लगने वाला चंद्र ग्रहण कुछ राशियों के लिए अच्छा नहीं माना जा रहा है। तो आइए ज्योतिष आचार्य पंडित पंकज पाठक से जानते हैं कि किन राशियों के लिए यह चंद्र ग्रहण शुभ नहीं होगा। आइए विस्तार से जानते हैं। पृथ्वी के चंद्रमा और सूर्य के मध्य में आ जाने के कारण पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिसके कारण चंद्रमा पर छाया के कारण अंधेरा हो जाता है। यह खगोलीय घटना है, जिसके कारण इसको चंद्र ग्रहण कहा गया है। ऐसा नहीं है, फिर भी हम इस ग्रहण का विशेष रूप से विश्लेषण करते हैं तो यह ग्रहण जो है तीन राशियों के ऊपर असर डालने जा रहा है। पहली रहेगी सिंह राशि। सिंह राशि के जो जातक हैं, इनका परिवार में विवाद होगा, अन्य स्थानों पर भी विवाद हो सकता है, इसलिए इनको अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए और वाहन जो है वह सावधानी से चलाना चाहिए, दुर्घटना की भी आशंका रहेगी। दूसरी है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों का कार्यस्थल पर विवाद होगा, व्यवसाय में घाटा हो सकता है, या ये जहाँ नौकरी कर रहे हैं वहाँ इनका किसी प्रकार का विवाद हो सकता है या इनका स्थान परिवर्तन होने के भी योग रहेंगे। तीसरी है कन्या राशि। कन्या राशि के जो जातक हैं, इनको इस ग्रहण के प्रभाव के कारण स्वास्थ्य में नरम गरम बना रहेगा, अस्वस्थता बनी रहेगी और लंबी यात्रा के योग बनेंगे, लेकिन उस लंबी यात्रा में इनको कई प्रकार की असुविधाओं का भी सामना करना पड़ सकता है। इनको कर्जा नहीं लेना चाहिए और किसी को कर्जा देना भी नहीं चाहिए, इनके धन अटकने के योग रहेंगे। तो ये जो तीन राशि के जातक हैं, इनको ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए या किसी ब्राह्मण के द्वारा महामृत्युंजय मंत्र का जप कराना चाहिए। ऐसा करने से यह दोष समाप्त हो जाएगा।